बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्लास सिक्स गर्ल्स, होप ऑल आर फाइन। बेटे आज हम इंग्लिश को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सिक्स। सबसे पहले कंटेंट्स है, उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है पोइम द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, उसकी कंप्लीट रीडिंग वर्ड्स टू नो और कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। फिर यूनिट नंबर फोर पोलर एक्सप्लोरर है, उसकी रीडिंग और वर्ड्स टू नो विद एक्सरसाइज। देन सिंपल पास्ट टेंस मॉरल स्टोरीज आएंगी आपकी, बीवेयर ऑफ फ्लैटरी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एक केस स्टोरी है। और एसेज है माय आइडियल हीरो एंड माय बेस्ट फ्रेंड विद आउटलाइंस, ठीक है, आउटलाइंस के साथ आप करेंगे। सबसे पहले हमारी पोइम है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। इसके अंदर क्या है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ब्राउन मीन ब्राउन कलर, जो भूरा रंग होता है, हॉर्स घोड़ा। इसके अंदर इस पोइम के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वो है लव विद एनिमल्स। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि वो एनिमल्स रखते हैं, जब पेट रखते हैं, और उन्हें बहुत शौक होता है एनिमल्स रखने का, उनकी टेक केयर करने का। तो इसके अंदर एक हॉर्स के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा यंग और एक जो है कारामद जानवर है, ठीक है। तो उसकी देखभाल की जाती है, उसे खाना खिलाया जाता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, उस पर जब रकम खर्च की करने की बारी आती है, तो फिर लोग उसके साथ क्या करते हैं। तो ये जो पोइम है ये उसके बारे में है कि जो ऐसे वो बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, तो थका थका अपने आप को फील कर रहा है। तो गुजरने वालों से कहता है कि दोस्तों मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, तो अब मैं दुनिया को देख रहा हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि अब उन लोगों ने मेरे ऊपर सवारी करना छोड़ दिया है, मुझे अब वो व्हीकल से, ये जो अब आ गई है मोटर कार्स और इस चीज़ के ऊपर सफ़र करते हैं, वरना पहले जो है मेरे पे सफ़र करते थे, तो अब जबकि मैं नबीना भी हो गया हूँ, लंगड़ा भी हो गया हूँ, मतलब उसकी एक लेग भी नहीं, और ओल्ड हो गया, तो उसके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। तो कहते हैं लंबे लंबे उलझे हुए मेरे बाल हो गए, मेरी अब वो पहले जैसी सेहत नहीं रही है, तो अब लोग जो है मोटर गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, तो अब मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत फील होता है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो मेरे साथ कैसा है। या ये छोटी सी पोइम, इसको मैंने आपको समराइज़ करके बताया कि इसके अंदर क्या है। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सरसाइज आ जाएगी, पार्ट ए है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आप। उसके बाद इसका पार्ट फर्दर जो टू है उसके अंदर ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद पार्ट बी में आपके ये हैं वर्किंग विद वर्ड्स, देन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो मेजर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें एग्जांपल्स उसने दी हुई है, एन इंजन मूव्ड फास्टली ऑन द ट्रैक। अब एन इंजन जो है इसके अंदर दैट इज़ अ सब्जेक्ट, मूव्ड फास्टली ऑन द ट्रैक, ये सारा जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है ये दैट इज़ प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स यू विल लर्न। उसके बाद आपका आएगा लिस्टिंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम योर बुक। उसके बाद समरी है, ये समरी, दिस पोइम इज़ रिटन बाय डब्ल्यू एफ हॉल्म्स, ये पोइट का नेम है। इस पोइम के अंदर एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स की कहानी बताई गई है, हु हैज स्पेंड प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ, प्राइम टाइम जो इनिशियल टाइम है वो उसने अच्छा गुजारा है, ठीक है। ही हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो गया, ही स्टैंड्स नियर द फेंस एंड लुक्स एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, अब वो फेंस के करीब खड़ा है, ठीक है, और बहुत एग्जॉस्टेड और टायर्ड लग रहा है। He seems to be speaking to the people who pass by the field. Everyone is busy in his job and is unconcerned about the horse. They drive their cars and no longer need to services of old, lame and half-blind horse. अब उसको कोई सर्विस नहीं देता, ओल्ड हो गया, लेम है, हाफ ब्लाइंड है, मतलब उसको दिखाई भी सही नहीं देता, और लेम उसके लेग का भी मसला हो गया। Once the horse was well taken care by the master, but the passage of time had rendered him useless. His master is neglecting him, that is why he is lamenting. Neglection ki wajah se uske sath ye hua hai ki har insaan, aap dekhen, usko neglect kiya jaye to wo feel karta hai, to ek animal hai, usne bhi feel kiya. Once in a while when someone takes pity on the weary house and touches his mane or shaky coat, soothes the horse agony, pain feel ho rahi hai, uski nazar aa rahi hai uski कंडीशन देकर। लास्ट स्टैंजा पोइट इज रिक्वेस्टिंग द रीडर टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल इफ ही और शी पासेस बाय सच एन ओल्ड ब्राउन हॉर्स एंड स्पीक सम अफेक्शनेट काइंड वर्ड। द हॉर्स दैट वाज वंस यंग एज यू आर वुड हैव योर जेनरस टच, ही वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसर्न। डब्ल्यू एफ होम्स यूज्ड बीबीडीडी राइम्स, उसने राइम्स यूज किए हैं इस पोइम के अंदर। लास्ट वर्ड्स ऑफ सेकंड एंड फोर्थ लाइंस ऑफ ईच क्वाट्रेन आर इन द राइम।
राइम के बारे में बता रहे हैं कि जो पोइम में आपके यूज़ किए गए। इसके बाद आ गई हमारी नेक्स्ट स्टोरी अ पोलर एक्सप्लोरर। पोलर एक्सप्लोरर जो है ये किसके बारे में पोइम है, ये बेटे एक नॉर्वे में एक मैन पैदा हुआ जो बचपन से उसे ना बरतानवी मतलब उसे जो एक्सप्लोरर होते हैं सर्चर ठीक है उसके बारे में बहुत शौक था। तो वो जैसे टीम्स होती हैं तो उसमें जो क्रिकेट टीम्स हो गई खेलों की जो टीमें होती हैं उसमें शामिल होते रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि सर्दियों में ना वो खिड़कियाँ खोल के सोते थे, गर्मी ज़्यादा लगती थी, मतलब इस तरह की कहानी है। उसके अंदर कुछ करेक्टर्स हैं, उसने कुछ कारनामे इसके अंदर अंजाम दिए हैं। वो कारनामे क्या हैं कि ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसमें वो फर्स्ट टाइम वहाँ से गुजरा था, ठीक है। 14 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, उसका फर्स्ट जो एडवेंचर हुआ था। 1926 में उन्होंने क्या किया था, एक एडवेंचर जो कि फुल सक्सेसफुल था वो हुआ। फिर उसके बाद ये सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ जो थे पोलर्स उनके ऊपर गया था। इसके अंदर उसकी एडवेंचर्स के बारे में जिक्र है कि उसने कैसे उस एडवेंचर को जो है पता किया और किस तरह उसने उन चीज़ों को कैप्चर किया कि जब उसने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी तो उसको किस किस तकलीफात का सामना करना पड़ा। तो उसकी मदर जो है वो ये चाहती थी कि ये डॉक्टर बने, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी मत दम तक उसकी मदर की यही ख्वाहिश थी, लेकिन वो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर बना था। उसको शुरू से ही ये स्पोर्ट्स का और इन चीज़ों का बहुत शौक था। तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता स्किल सीखी, ट्रैवल किया और फिर उसने अपने ये जो एक्सप्लोरर किए जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कोल्ड या हाई हॉट था तो वहाँ पे भी एडवेंचर्स करता था, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एक्सरसाइज में से, फिर आपके ट्रू फॉल्स आएंगे। इसमें ट्रू फॉल्स आपने ऐसे करने कि अगर आपका ट्रू है तो इट्स ओके, और अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है उसकी रीज़न आपने बतानी है, ठीक है, ये है। उसके बाद आगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर आपने आपके टेक्स्ट में से कोई मटेरियल, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी साइन किसी के बारे में ली गई है और आपने बताना है कि वो किसने और क्यों लिखी गई है, उसका रेफरेंस क्या है, किसने बोला है वो वर्ड्स, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स है, इसमें आगे सेंटेंस, ठीक है, मीनिंग फर्स्ट यू विल राइट मीनिंग एंड देन सेंटेंस। उसके बाद आगे आपका आपने बताना है सेंटेंस में एडजेक्टिव और ये नीचे पार्ट सी में जो है एडजेक्टिव्स आ गए हैं। फिर उसके बाद इसकी पार्ट डी जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग वो आपने बुक से करनी है। उसके बाद कॉम्पोजिशन आ गया, एमस्टन के बारे में आपने कुछ लाइंस लिखने की, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ठीक है। देर आर नो इनहेबिटेंट्स इन द साउथ पोल एक्सेप्ट एमस्टन स्कॉटिश स्टेशन वेयर ओनली साइंटिस्ट लिव फॉर सम सर्च ऑपरेशंस। वो इस जगह पे रहता था जहाँ साइंटिस्ट जो है ना कुछ ऑपरेशंस के लिए, कुछ रिसर्चिंग के लिए रहते थे। देर इज़ कंटिन्यूस डार्कनेस एंड एक्सट्रीम कोल्ड आउटसाइड, बट बहुत अंधेरा और हमेशा सर्दी होती थी। परहैप्स इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, वेदर कंडीशंस आर वेरी मच एक्सट्रीम, सनराइजेज एंड सनसेट्स ओनली वंस अ ईयर, एक साल में एक दफ़ा सन या राइज होता था या सेट होता था, यानी कि ग्रूब या निकलता था। तो वेदर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता था या बहुत ज़्यादा जो है गर्म या सर्द होता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके लिए चैलेंजिंग होती गई वो जो वेदर कंडीशंस थी। तो उसके बाद कभी उसे वाटर और फूड की भी प्रोविजंस प्रॉपर नहीं हो पाती थी, ठीक है। यू विल हैव टू यूज़ फ्रोजन एंड स्टोर, आपको जो है जो फ्रीज किया हुआ खाना और जो स्टोर किया हुआ फूड होता है वो खाना पड़ता है। ऑल्दो देयर आर मेनी चैलेंजेस बट वन कैन हैव चांस टू वंडर एट नेचुरल फिनोमेना एंड स्पॉट एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स इन द नेचुरल हैबिटेट्स। इन एनिमल्स के साथ भी उनको फेस करना पड़ता था। उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस मैंने लास्ट टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन किया था। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इसकी फॉर्मेशन ये है कि सब्जेक्ट के साथ आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हम लोग एक सेंटेंस करते हैं, दे इज अ सब्जेक्ट, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, गिव गेव गिवन, दे गेव अस अ गिफ्ट, अस अ गिफ्ट ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, दे गेव अस अ गिफ्ट। People caught the thief. Caught किसकी second form है? Catch की. The boy made a noise. Made किसकी second form है? Make की. The boy make a noise. The boy made a noise. You invited me to tea. Invited किसकी second form है? Invite. I posted the letter. I post the letter. Post is the first form of verb and posted is the
सेकेंड फॉर्म होगा. नेगेटिव सेंटेंसेज जब करेंगे तो उसके अंदर डिड नॉट का यूज़ होगा. पास्ट टेंस में डिड नॉट यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में डज नॉट और डू नॉट यूज़ करते हैं. लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल में डू नॉट और सिंगुलर में डज नॉट, ये मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रही हूँ. अब इसमें पास्ट टेंस में डिड नॉट यूज़ करेंगे, जब डिड नॉट यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है. तो ऑलरेडी जब सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो उसके साथ एज ए डिड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, अब उसके साथ जो मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आएगा. द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन वेल, टीचर, द टीचर इज अ सब्जेक्ट, डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब आ गया फॉर नेगेटिव सेंटेंस. टीच, टीच आ गया फर्स्ट फॉर्म. अब यहाँ मैं अगर डिड नॉट ना लगाती तो टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट लगाती, ठीक है. द टीचर टॉट द लेसन वेल, लेकिन जब इसमें डिड नॉट ऐड करेंगे तो उसके साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ही डिड नॉट रन फॉर हिज लाइफ, द स्टूडेंट्स डिड नॉट टेल द लेसन, आवर टीम डिड नॉट विन द मैच. अब देखें डिड नॉट के साथ सब जगह फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ रही है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, आपने डिड को स्टार्ट में ले आना है, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. डिड ही वेस्ट हिज टाइम, व्हेन डिड दे क्रॉस द ब्रिज, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है. उसके बाद स्टोरी है बीवेयर ऑफ फ्लैटरी, द फॉक्स एंड द क्रो की है, कि हमेशा खुशामदियों से आप बचा करें, जो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं, वो आपसे कुछ अपना मकसद निकाल रहे होते हैं, उन्हें कोई ना कोई आपसे काम होता है. ये एक ज़िंदगी का एक है भी, पार्ट भी है. कि अब इसके अंदर एक उन्होंने फॉक्स की, एक हंगरी फॉक्स है और एक क्रो है, तो क्रो को जो है वो चीज़ का पीस चाहिए, तो वो हंगरी फॉक्स जो है क्रो से कैसे चीज़ का पीस लेता है उसकी बटरिंग करके, ठीक है. ये उसके बारे में स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है. उसके बाद मॉरल स्टोरी है वेयर देर इज़ वेल देर इज़ अ वे, क्लेवर क्रो की स्टोरी है, जिसमें वो हार्ड वर्क के साथ पेबल्स इकट्ठे करता है पॉट में, पानी जब उसकी बीक तक पहुंचता है तो वो उसको एंजॉय करता है, प्यास जो उसको लगी होती है वो फिर उसकी बुझ जाती है. उसके बाद आके हमारे ऐसे माय आइडियल हीरो, इसमें माय आइडियल हीरो में बेटे आप अपनी चॉइस का भी ऐसे कर सकते हैं. इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है माय फादर, कि माय फादर जो है वो मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और मेरे आइडियल हीरो हैं. आउटलाइंस मैंने बताई हैं, माई फादर इज़ माई फर्स्ट आइडियल हीरो इन माई लाइफ. नंबर टू, माई फादर इज़ अ ग्रेट पर्सन हु हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन माई लाइफ. नंबर थर्ड, आई हैव लर्न लॉट फ्रॉम माई फादर एंड ही इज़ माई मेंटर. फोर्थ, माई फादर हेल्प्स मी अ लॉट व्हेन आई एम नॉट एबल टू हैंडल न्यू थिंग्स. और फिफ्थ, आई लव माई फादर वेरी मच. अब इन पॉइंट्स पर आपने एक ऐसे लिखना है कि मेरे फादर जो हैं मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करदार अदा करते हैं, और जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है. मेरे फादर ही हैं जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी की जितनी हार्डशिप्स हैं उसको फेस करना सीखा है, ठीक है. ये ऐसे माय आइडियल हीरो एज माय फादर. उसके बाद आ गया माय बेस्ट फ्रेंड. माय बेस्ट फ्रेंड में भी आप अपने किसी भी फ्रेंड का जिक्र कर सकते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर गुड फ्रेंड्स, फिर हर क्वालिटीज़, फिर आई प्राउड ऑफ हर एज माय बेस्ट फ्रेंड. और इसके बाद आपने इसमें बताने कि फ्रेंडशिप है क्या, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. उसके बाद आपकी गुड फ्रेंड्स की क्वालिटीज़, गुड फ्रेंड्स कैसे होते हैं, फिर आपको अपने फ्रेंड पे क्यों फ़ख्र है. अच्छा जी गर्ल्स, आगे हमारा टॉपिक आ गया हिस्ट्री. हिस्ट्री में बेटे, हिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली एक वैली थी, उसके बारे में वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उसके आउटकम्स जो हैं आपकी बुक्स में हैं. मैं यहाँ पे आपको समराइज करके बताती हूँ. इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, रिलीजियस बिलीव्स एंड सोशल सिस्टम्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़, टाउन प्लानिंग, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक से, फिर एमसीक्यूज बुक से, प्लानिंग से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एडिशनल और एमसीक्यूज एडिशनल होंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर में. जी बेटे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री जो है वो है क्या बेसिकली, दैट इज ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ पास्ट इन विच इट इज एग्जामाइंड द रिजल्ट्स ऑफ एंड इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट नेशंस. जो पहले हमारी नेशंस गुजर चुकी हैं उनके इफेक्ट्स, उनके रिजल्ट्स क्या हमारे सामने लाते हैं, हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का एक लिंक है, ठीक है. हिस्ट्री जो है बेसिकली हमारी नेशन को, हमारी ट्रेडिशंस को अप टू डेट करने का है, कि अब हमने फ्यूचर में कौन से प्लान्स करने हैं. ये हमें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बताती है कि हमारी वैल्यूज क्या गुजरी हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेजेस क्या हैं. ये हिस्ट्री में बेसिकली हमें ये देखना है.
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, उसके अंदर ओल्ड सिविलाइजेशन, ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है दुनिया की। यहाँ पे जब रिवर इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरी रिवर्स, उसके आसपास के जो रिवर्स थे जब वो डेवलप्ड हो गए तो फिर क्या हुआ, तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंध के पास है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा उससे वो कनेक्टेड है, दैट इज़ इन साहिवाल। मौजूदा हड़प्पा ये एंशंट सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में ये जो हैं वहाँ पर हैं, और इनके साइंस जो हैं वहाँ पे 1922 में जो सबसे पहले देखे गए थे, तो इनके ऑर्नामेंट्स वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें जहाँ पे देखी गई जब इनको सर्च किया गया, तो ऑर्नामेंट्स जो जेवरात होते हैं, क्ले प्रॉन्स यूटेंसिल्स सील्स कार्ड्स बोर्ड्स टॉयज स्टैचूज स्पिंडल्स एंड स्केलेटन्स थे मुख्तलिफ ना एनिमल्स के। तो हड़प्पा जो है वो दूसरा है, सबसे पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इज द सेकेंड वन। वहाँ पे सॉलिड क्ले यूटेंसिल्स स्टील्स एंड सिस्टम ऑफ मेजर्स एंड वर्ड्स इज इंक्लूडेड इन इट। द पिक्चर ऑफ एनी एलिफेंट एंड हार्म्ड बुल आर मोर प्रोमिनेंट, टूल्स वर मेड विद ब्रॉन्ज, बोथ सिटीज वर पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों सिटीज जो हैं उसका पार्ट है, उसका हिस्सा। रिलीजियस बिलीफ, लोग जो हैं पहले ये गॉड गॉडेस ये जो बुद्ध होते हैं उनकी पूजा करते थे। इन लोगों को कोई इस चीज़ की नो हाउ नहीं थी कि हम लोगों ने एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ये लोग गलत किस्म की बातों में पड़े हुए थे, तो जानवरों को भी पूजा करते थे। जैसे आज हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें हैं कि लोग जो हैं अभी तक जो गाओं को हैं वर्शिप करते हैं। तो पहले जो है लोग जो है डेड बॉडीज़ को जला देते थे, जैसे कि इंडिया में आज भी होता है, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि वो मिट्टी में उसको दबाएं, ठीक है। तो वो स्टैचूज बना के खुद ही अपने हाथों से स्टैचूज बनाते हैं और खुद ही उनकी उनसे मांगते हैं, जबकि गलत है और गुनाह है। सोशल सिस्टम उनके ये थे कि वहाँ पे स्वीपर्स जो थे ये जो सफाई करते हैं वो बाउंड थे कि उन्होंने डेली की डेली स्ट्रीट्स और पार्क्स वगैरह नीट करने हैं। फिर उनके कुछ सेक्शंस बनाए गए थे। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो स्पेशल हाउसेस में रहते थे, और जो सर्वेंट्स थे वो क्वार्टर्स में रहते थे। फार्मर्स जो थे उनको विलेजेस में रहते थे, और आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स जो थे वो सिटीज़ में रहते थे। बहुत बहुत बड़े प्लेसेस, टेंपल्स, टॉम्स, वो सिटीज़ में जो थे ना वो थे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या थी उनकी, के ट्रेड, ये जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्रॉप्स एंड मिनरल्स की होती थी, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड जो थी, जो इनसाइड होती है, वो बुलक कार्ट्स पे होती थी। बुल, बड़े बड़े बुल, और पीछे जो कार्ट्स थे वो उसके ऊपर होती थी। फिर उसके बाद टाउन प्लानिंग, उन्होंने प्लान किया होता था कि किस तरीके से सारा सिस्टम मैनेज करना है। द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड एक्सीलेंट एक्वेंटेंस विद द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का उनको बहुत ज़्यादा शनासाई थी, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नो हाउ थे। सिटीजन टाउन हैड बीन कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट टेक्निक एंड प्लानिंग। आर्टिजन्स हैड नोन द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड बेकिंग द ब्रेक्स। दे हैड द फाउंडेशन ऑफ हाउसेज फाउंड डीप स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो पेड अटेंशन ऑन आउटवर्ड ब्यूटी। आउटवर्ड जो बज़ाहरी खूबसूरती उसके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद डेक्लाइन किया हुआ, डेक्लाइन का उन्होंने कुछ प्रोसेस बताया, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये ख़त्म कैसे हो गई ना। ये उन्होंने बताया कि यहाँ अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा, जल्जले, फ्लड, सैलाब, एपिडेमिक डिजीज, ड्रॉट, ये जो कहत साली हो जाती है, ये चीज़ें उन्होंने कुछ कुछ एक्सपर्ट्स ने बताई हैं। सब ने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं कि इनकी वजह से ये बिल्कुल एक्सपिंक्ट हो गया, फिनिश हो गया, डिक्लाइन हो गया, अब इनका वजूद भी नहीं है। उसके बाद गर्ल्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी, फिर साइंस ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर टू ट्रेड रूट्स है, रिलेशंस विद इंडस वैली कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन, देन आपके हैं सोशल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम, उसके बारे में आपने बताना है, फिर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड है, और लास्ट पे इसके फीचर्स एंड टाउन प्लानिंग के, ठीक है। काइंडली गर्ल्स सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you. Allah Hafiz.